गुड मॉर्निंग खम्मा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में और आज के ब्लॉग में भी। और आज मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने गौशाला मैदान। गौशाला मैदान वैसा नहीं है जैसे खूब सारी गाय हैं, वो नहीं है। पहले ये गौशाला हुआ करती थी, अभी वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, बहुत सारी एक्टिविटी है मॉर्निंग की, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन, टेनिस। और वहाँ हम सब फ्रेंड मिलने वाले हैं, थोड़ा बहुत योगा करेंगे, साथ में गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। योगा तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ हम जो कुछ करेंगे, चाय वाय पियेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे। और बोल सकते हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बोल दो, बोल दो। जी का चैनल बहुत अच्छा है, सभी लाइक सब्सक्राइब करो और है ना सबको शेयर करो। जितने ज्यादा लाइक्स बनेंगे उतने ज्यादा इनके ऐड आएंगे। 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो फॉर माँ का मेन्यू। हाँ थैंक यू। चलिए जी चाय पी ली है और मैं फिर से निकल गई हूँ सब्जी लेने के लिए। अभी मैं जाऊँगी उत्तम फ्रेश और वहाँ से सब्जी लूँगी और वहाँ मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊँगी, वहाँ मैं सिर्फ सब्जी लूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। यार वहाँ बहुत लोग होते हैं और इजी नहीं होता है वीडियो बनाना। तो चलिए पहले सब्जी लेती हूँ फिर मिलती हूँ। सब्जी लेके फिर लूँगी पतिदेव को, जो कि सुबह ब्रेकफास्ट पार्टी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद लेंगे ब्रेकफास्ट और घर जाएंगे। चलिए जी उत्तम फ्रेश से सब्जी भी ले ली है और मैं थोड़ा किराना भी लिया, कुछ दो चार चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी। अच्छा मैं किराना कहाँ से लेती हूँ, मैं उत्तम फ्रेश से सब्जी लेती हूँ ये तो आपको बता दिया। और मैं किराना लेती हूँ लक्ष्मी किराना स्टोर से, भास्कर चौराहे पे है। हम लोग जब से जोधपुर शिफ्ट हुए हैं तब से हम लोग किराना यहीं से लेते हैं। और सब्जी पहले मैं कहीं और से लेती थी, फिर जब से मैं उत्तम फ्रेश सब्जी लेने लगी हूँ तो मुझे यहाँ की सब्जियाँ जमती है, एकदम ताज़ा फ्रेश सब्जी आती है। और मैं शायद 6 से 7 साल हो गए सब्जियाँ यहाँ उत्तम फ्रेश से ले रही हूँ। और किराना मैं शायद 2008 से लेकर अब तक 2023 चल रहा है, तब से मैं किराना मतलब किचन का जो भी सामान होता है वो सारा मैं यहीं से लेती हूँ। और अभी हम लेंगे पतिदेव को, उनकी पार्टी भी ख़त्म हो ही गई है, उनका कॉल आ गया है। और पतिदेव को लेने के बाद लेंगे हम नाश्ता, क्योंकि आज मैं घर पर नाश्ता नहीं बनाऊंगी, लेट हो जाएगा काफ़ी, जा कर के नाश्ता बनाएंगे तब तक। तो अभी पतिदेव को लेते हैं और देखते हैं कहाँ से नाश्ता लेते हैं, क्या लेते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे जोधपुर का नाश्ता। शायद मिर्ची बड़े कचौरी तो नहीं लूँगी, खा खा के बोर भी हो गई हूँ और मैं आलू बेसन भी नहीं खा सकती, और क्यों नहीं खा सकती वो कभी बताऊँगी, और आज तो नहीं, सस्पेंस। फिर रहने दो, मैं दो ये खा लूँगा। दो खाना। चलिए जी ले लिया है नाश्ता और पतिदेव ने लिया है ब्रेड पकोड़ा, मैंने लिया है एक मटर पनीर समोसा और एक चाइनीज समोसा। हेलो जी सुबह के बाद अब सीधा अभी मिल रहे हैं। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद पतिदेव का टिफिन बनाया, उन्हें ऑफिस के लिए रवाना किया और फिर मैंने वही रोजाना वाले काम किए, झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़ा, खाना सब। और फिर मैं 12:30 बजे मैं फ्री हुई, उसके बाद मैंने लंच किया और इसी बीच में मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर दिया। आज एक ब्लॉग जाना था और आज अभी पतिदेव का फ़ोन आया है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं फटाफट डिनर भी बना ही देती हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। और मटर पनीर बनाने के लिए मैंने कल रात को पनीर बना करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर को बाहर का पनीर पसंद नहीं है। अगर आपको पनीर की कोई भी डिश बनानी है तो पहले घर पर पनीर बनाओ। तो रात को मैंने पनीर बनाकर फ्रिज में रखा था और ये पनीर बहुत ज़्यादा है, तो आधे पनीर से मैं बनाऊंगी मटर पनीर और आधा पनीर मैं फिर फ्रिज में रख दूंगी, जो कल सुबह बना दूंगी पनीर के पराठे। और इसके लिए मैंने चॉपर में
टमाटर को चॉप कर लिया है। वैसे तो मटर पनीर की रेसिपी सबको आती है, बहुत आसान है, सब कोई बनाते हैं, लेकिन आज हम झटपट वाली मटर पनीर बनाएंगे जिसमें ज़्यादा समय ना लगे और खाने में भी स्वादिष्ट हो और ज़्यादा मेहनत भी ना हो। तो मैंने दो टमाटर को चॉप कर लिया है चॉपर में, आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं या मिक्सी में चला भी सकते हैं। और लहसुन को कूट के उसका थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट जैसा बना लिया है। और अभी हम निकालेंगे फ्रीजर में से मटर, क्योंकि मैं हर सर्दियों में मटर को स्टोर कर देती हूँ, दो डब्बे भर देती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ, फ्रीजर में स्टोर करती हूँ। वैसे तो मेरा फ्रीजर नहीं, गोदाम है। खूब सारी रेसिपी बनाती हूँ इसके चक्कर में, काफ़ी चीज़ें मुझे रखनी पड़ती है और ख़राब ना हो इसलिए फ्रीजर में रखती हूँ। यह है बूंदी रायते वाली, जो पतिदेव ले तो आए लेकिन रायता बनाकर खाते नहीं हैं, मतलब मैं बनाऊँ वो खाते नहीं हैं। और ये गुलाब की पत्तियाँ, जब मैं कोई भी स्वीट रेसिपी बनाती हूँ या मैं फेस पैक बनाती हूँ उसमें भी गुलाब की पत्तियाँ डालती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी। और ये दो डब्बे हैं मटर के, जिसमें से एक तो आधे से भी कम हो गया है और एक अभी थोड़ा सा खाली हुआ है। बस मटर निकाल लेते हैं। थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि हम दो लोग हैं, दो लोगों के लिए थोड़ी सी सब्जी काफ़ी होगी और बचेगी तो थोड़ी बहुत सुबह खा भी लेंगे। और मैं 2-3 साल से इस तरीके से मटर स्टोर कर लेती हूँ, फिर पूरे साल जब भी आपको मटर पनीर खाना है या मटर की सब्जी बनानी है या कुछ भी आपको, तो आप इस तरीके से पूरे साल बना करके खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं OMG 2, ओ माई गॉड 2। अब वो मूवी कैसी रहेगी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी, अगर याद रहा तो, भूल गई तो नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं आपको बताऊं कि मुझे मूवी कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब्जी बनाएंगे तब तक मैंने मटर को थोड़ी देर पानी में भिगो दिया है ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब तक हम पनीर काट लेते हैं। पनीर बनाने के बाद मैं पनीर को, मतलब बनाती इसी कपड़े में हूँ तो इसी कपड़े में मैं टांग भी देती हूँ ताकि पनीर ख़राब ना हो, वरना क्या होता है कि जब आप पनीर को ऐसे खुले में रखते हैं तो पनीर के ऊपर एक सूखी सी परत आ जाती है जो कि सब्जी में भी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अभी हम इसे काट लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा है तो आधा ही काम में लूँगी मैं इसे। मुझे ना सब्जी में ना बड़े बड़े पनीर के पीसेस अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हो तब अच्छे लगते हैं, मुझे पनीर में बड़े बड़े पीस हो तो अच्छे लगते हैं। अभी हम डालेंगे कढ़ाई में तेल, तेल गर्म हो जाएगा जब हम डालेंगे इसमें जीरा। अच्छा, मेरे पास ना ये कढ़ाई स्टील की एक ही कढ़ाई है और बाकी कढ़ाई है, एक है लोहे की और दो है एल्युमिनियम की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एल्युमिनियम में खाना ना बनाऊँ। तो एक दिन मैं वापस जाऊँगी तिरपोलिया, वो ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो जितने भी मेरे पास एल्युमिनियम के बर्तन हैं, जैसे दो कढ़ाई, दो कुकर और एक शायद पैन है, वो सब देख करके मैं स्टील के बर्तन लेकर के आऊँगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि आजकल एल्युमिनियम यूज़ करना कितना ख़राब है। आजकल क्या, पहले भी था, हमें नॉलेज नहीं थी, अभी आई है। तो एल्युमिनियम हटा दूंगी और सारे स्टील के बर्तन ले आऊँगी। तेल गर्म हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और फ्लेम को कम कर देंगे। और जो टमाटर कद्दूकस किए थे, यानी कि चॉपर में चॉप किए थे, वो डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे। ये जो रेसिपी है ये झटपट वाली रेसिपी है, जब भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो या ज़्यादा काम हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं, झटपट मटर पनीर बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट। आज मेरे पास वैसे टाइम है पर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए झटपट वाली रेसिपी। अभी टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम डालेंगे लहसुन और मसाले। अभी टमाटर पक गए हैं, अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन और मसाले। वैसे नॉर्मल खाना जब मैं बनाती हूँ, जैसे जो भी डेली यूज़ का खाना, मैं मसाले और तेल थोड़ा कम ही रखती हूँ,
लेकिन मटर पनीर ये सब्जियाँ ऐसी होती है इसमें थोड़ा सा मसाला तीखा हो तभी अच्छा लगता है, क्योंकि पनीर भी एकदम फीका होता है। मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नमक, और कोई विशेष रेसिपी हो, कोई ऐसी रेसिपी हो जो आप चाहते हैं कि मैं मेरे ब्लॉग में शेयर करूं आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता भी सकते हैं, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अगर थोड़ी सिंपल हुई तो, जब बहुत बड़ी लेंथी रेसिपी हुई, बहुत हैवी रेसिपी हुई तो नहीं, सिंपल रेसिपी हो तो आपको भी समझ में आए और मेरे लिए भी बनाने में इजी हो। अभी बस मसाला पका लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मटर। मटर को पानी में से निकाल लेंगे क्योंकि मैंने इस तरीके से पानी में भिगो दिया था, और फिर मटर पकाएंगे और लास्ट में डालेंगे पनीर। जब मटर पक जाएंगे, मसाला पक जाएगा, उसके बाद लास्ट में हम इसमें पनीर डालेंगे ताकि पनीर हार्ड ना हो। वैसे मैं हर रेसिपी में आपको बताती हूँ कि पनीर हमेशा लास्ट में डालो, और पनीर डालने के बाद आप एक मिनट के लिए और पकाओ और फ्लेम को बंद कर दो, वरना आप देखोगे या तो हम कहीं भी बाहर खाने, शादी में या किसी के घर पे खाना खाने जाते हैं तो वहाँ ना पनीर बहुत हार्ड होता है, या तो वो लोग पनीर डालने के बाद उसे ज़्यादा पका देते हैं, या फिर वो पनीर, जिसने भी पनीर बनाया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जिससे पनीर हार्ड होता है। तो मैं पनीर घर पर बनाती हूँ, नींबू से बनाती हूँ, मतलब दूध को जो फाड़ती हूँ वो नींबू से फाड़ती हूँ, और उसके बाद मैं ज़रा पकाती नहीं हूँ, पनीर डालने के बाद एक मिनट पकाती हूँ और फ्लेम को बंद कर देती हूँ, तो मेरा जो घर का बना पनीर है वो एकदम सॉफ्ट रहता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि पनीर घर पर ही बनाएं, अभी मजबूरी हो तो वो अलग बात है, बाकी कोशिश कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और पनीर घर पर कैसे बनाना है वो भी मेरे चैनल पर है, आप आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप कहोगे तो मैं फिर से ये आपके साथ शेयर कर दूँगी किसी ब्लॉग में जब मैं पनीर बनाऊँगी। मैं वैसे वीक में एक या कभी वीक में एक बार या कभी 15 दिन में एक बार घर पर पनीर बना ही लेती हूँ, और इतना सारा पनीर बनता है तो हम दो लोगों के दो बार काम में आ जाता है, जैसे अभी मटर पनीर बनाऊँगी, कल वो पनीर परांठे बनाऊँगी। चलिए मसाला पका लेते हैं, आपको ज़्यादा नहीं पकाते वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर रोटी बना दूँगी, बर्तन साफ़ कर दूँगी और फिर हो जाऊँगी तैयार, क्योंकि पतिदेव आ जाएंगे 6 बजे, और 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि हमें जाना है सर्किट हाउस, वहाँ पर है थिएटर, तो हमें जाने में 40 से 45 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक मिलेगा। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, क्योंकि मैंने जो टमाटर लिए हैं वो ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अभी दही में उबाल ना आए जब तक लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना। अभी दही में उबाल आ गया है, इसी वक्त हम इसमें मटर डाल देंगे, मटर को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पक जाएंगे। और इसे पकाने के लिए लगा देंगे ढक्कन, फ्लेम को लो कर देंगे। और एक मेरे किसी ब्लॉग में मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप जोधपुर में कहाँ रहते हो, तो भाई साहब सॉरी, मैं यूट्यूब पे अपना एड्रेस नहीं दे सकती, अगर आप जोधपुर में रहते हो तो कहीं ना कहीं हम मिल ही जाएंगे, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है माँ का मेन्यू, आप वहाँ मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, लेकिन यूट्यूब पे मैं अपना एड्रेस नहीं दे सकती, इसके लिए वेरी सॉरी। तो मटर अभी पक गए हैं, अभी हम इसमें डालेंगे पनीर, आप चाहे तो इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, अभी गर्मी है तो मैं गरम मसाला नहीं डालूंगी, और वैसे भी गरम मसाला मैं कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं किसी चीज़ में गरम मसाले डालती हूँ, बिना गरम मसाले की ही सब्ज़ी बनाती हूँ। कसूरी मेथी भी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने स्टार्टिंग में डाली थी, थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ। अब बस हम इसे मिलाएँगे, 1 मिनट के लिए पकाएँगे, और 1 मिनट के लिए जो पकाएँगे वो भी हम लो फ्लेम पर पकाएँगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएँगे, और 1 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे, ढक्कन लगा रहते हैं, हमारी सब्जी तैयार है, हो गए हैं तैयार। और मैंने आज फिर वही टॉप पहन लिया है जो मैंने इंडिया बुल्स मॉल से लिया था, और मुंबई में भी एक बार पहना था पर मैंने उस टाइम पूरा लुक नहीं दिखाया था,
और पूरा लुक दिखाने के लिए मेरे पास ये मिरर ही है, कोई है नहीं जो पूरा लुक दिखा सके। तो चलिए चलते हैं, लेट हो जाएंगे।